वाइफ देगी धमकी, आपको करेगी परेशान, तो वो जाएगी सीधी जेल के अंदर। सुन लेना मेरा मैसेज, हर शादीशुदा हस्बैंड तक पहुंचा देना। और सुन लो, बहुत आसान भाषा में मैं आपको लॉ समझाता हूँ दुनिया में, जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है? टेंशन मत लेना, आपका भाई बैठा है। हर हस्बैंड हर लड़के के लिए बेचिंत हो जाना। कोई भी अगर आपको लीगल सजेशन चाहिए हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर दिया करो। अब सुन लो, वाइफ करे परेशान, आप घर जाओ, आपसे बात ना करे, आपको परेशान करे, आपसे गाली गलौज करे, आपको धमकियां दे ताकि आप उस पर हाथ उठा दो, ये नहीं करूंगी, कि खाना नहीं दूंगी, रोटी नहीं दूंगी, घर छोड़, माँ बाप को छोड़, तो भाई आपको प्रोवोक प्रोवोक करने के लिए वाइफ को 2 साल की सजा। नए लॉज आ चुके हैं, ये जैसे ही लागू होंगे, ठीक है, वाइफ की खैर नहीं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अभी जो करेंटली IPC चलता है इंडिया में, उसमें आपकी वाइफ अगर आपको प्रोवोक करे कि आप लड़े उससे, कलेश करे ताकि वो आपको कोर्ट में ले जाए, आपको धक्के खिलाए, तो भाई पुराने लॉज में IPC में 504 के तहत आपकी वाइफ को 2 साल की जेल है। और नए लॉज में BNS भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 352 के तहत 2 साल की जेल है। ये सुन लो, दिमाग में डाल लो, आने वाले लॉज है ये। और अगर वाइफ आपको जेल कराने की, फेक केस में फंसाने की, तेरे घर वालों को अंदर कराऊंगी, तेरी जेल में चक्की पिसवाऊंगी, तू देख मैं अपने भाई को बुला के तेरी टांगे तुड़वाती हूँ, तो सुन लो जी, नए लॉज में BNS सेक्शन 351 के तहत 2 साल की जेल है आपकी वाइफ को धमकी देने पर। पुराने लॉ में थी IPC 506 के तहत, नए में BNS 351 के तहत ना, और टांगे तुड़वाने की, ग्रीवी असट की, जान से मरवाने की धमकी दे तो 7 साल की जेल है। इन्हीं प्रोविजंस में याद रखना, हर दोस्त रिश्तेदार को भेज देना, और अगर कुछ और भी दिक्कत है मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ठीक है, या मेरी मेल आईडी पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, आपका भाई बैठा है। और अगर वाइफ अपने घर चले जाती है, उसके घर वाले आपको कहते हैं जी पैसे दो, आपसे एक्सट्रॉशन करने की कोशिश करते, नहीं केस में फंसाऊंगा, तेरे माँ बाप को घसीटूंगा, तो भी डरना मत, नए लॉ आ चुके हैं BNS 308 के तहत 2 से 5 साल के लिए जाएंगे उनके घर वाले जेल के अंदर। जी हाँ, आपसे पैसे की एवज में आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और पुराने लॉज में है ये IPC 383 384 के तहत। जी हाँ, याद रखना सारे सेक्शन। और अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर फेक केस बना दिया है, आप धक्के खा के थक गए हो, अब सुनो, फेक केस, फेक चार्जेस लगाने के लिए आपकी वाइफ को जेल है। जी हाँ, 3 से 5 साल के लिए जाएगी जेल के अंदर। नए लॉज याद रख लो, BNS सेक्शन 248 के तहत आप अपनी वाइफ को फेक केस डालने पर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, उसे 2 से 5 साल की जेल है। जी हाँ, और IPC का भी सेक्शन सुन लो, IPC 211 के तहत भी ये कार्रवाई आप करा सकते हैं। मेक श्योर जब आपसे आपकी वाइफ कलेश करे, एविडेंस बना लो। सबसे बढ़िया एविडेंस होता है, बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होता है वीडियो, फोटो, ठीक है। अगर वो अडल्ट्री में किसी और के साथ अफेयर में, तब भी आप उसे डिवोर्स दे सकते हैं इन ग्राउंड्स पर। माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है ऐसी वाइफ को, 1 मिनट में छोड़ सकते हैं आप। हाँ, ये भी मेंटल क्रुएलिटी मानी जाती है, अपने घर चली जाती है, आती नहीं है, धमकी नहीं देती है, आप डिवोर्स ले सकते हैं इन ग्राउंड्स पर, ठीक है। बच्चों को ले जाती है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन और कंजुगल राइट सेक्शन 9 के तहत भी कोर्ट में केस लगा सकते हैं, ठीक है। आपको केस करने पड़ेंगे अपनी वाइफ के सामने अगर बचना है, नहीं जाओगे सीधी जेल, ठीक है। बहुत आसान भाषा में लॉ समझाता हूँ एक कॉमन मैन को, ले मैन को, ताकि आप लोगों के साथ कोई बुरा ना हो। हाथ जोड़ के विनती है, ये अपने दिमाग में डाल लो। पसंद आए मैसेज तो अपने दोस्तों को भेज देना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि आजकल वाइफ का पलड़ा भारी है हस्बैंड के मुकाबले। BNS में भी यही हुआ, मुझे तो जेंडर न्यूट्रल होगा, लेकिन टेंशन ना लो, हमारे पास बहुत प्रोविजन होते हैं आप लोगों को बचाने के लिए, तो टेंशन ना लो, आपका भाई बैठा है। किसी भी लीगल सलाह की जरूरत हो तो टेंशन लेने का, आपका भाई बैठा है। धन्यवाद, जय श्री राम।